हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। मैं आप लोगों का सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और उन सारे कमेंट्स का जवाब देने की भी कोशिश करती हूं, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स ऐसे होते हैं जिसका जवाब मैं लिखकर नहीं दे सकती हूं। तो आज का इस वीडियो आप लोगों का उन्हीं कमेंट्स पर आधारित है। बहुत सारे महिलाएं मुझे कमेंट सेशन में ये सवाल पूछते हैं कि उनका पीरियड अभी ड्यू है और उनके पेट के निचले हिस्से में किसी एक साइड में, इधर लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में या फिर कहीं पर भी दर्द हो रहा है, या फिर वो अपना पेट दर्द को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और वो जानना चाहते हैं कि क्या ये प्रेगनेंसी का दर्द है या फिर पीरियड का दर्द है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब आपका प्रेगनेंसी रुक जाता है तो आपके पेट के कौन से हिस्से में दर्द हो सकता है, ये लेफ्ट साइड में होता है या फिर राइट साइड में होता है, या फिर ये दर्द आपको मिडिल में होता है, और कहां पर ये दर्द आपको ज़्यादा महसूस हो सकता है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आपका फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो जाता है, यानी कि आपके एग के साथ आपका स्पर्म मिल जाता है, और उसके बाद वो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होता है, और वो ब्लास्टोसिस्ट आकर आपके यूट्रस के वॉल यानी कि गर्भाशय में दीवार में चिपकता है, जिसको कि हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो जब इम्प्लांटेशन होता है वो जनरली आपके ओवुलेशन के 6 से 12 दिन के अंदर हो सकता है, या फिर आपके फर्टिलाइजेशन के 8 से 9 दिन के अंदर हो सकता है, यानी कि जब आपका नेक्स्ट पीरियड का ड्यू डेट होता है उससे 4-6 दिन पहले ही आपको महसूस हो सकता है। और जब इम्प्लांटेशन होता है तो बहुत सारे महिलाएं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग एक्सपीरियंस करते हैं, और बहुत सारे महिलाएं इसे एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, लेकिन ज़्यादातर महिलाएं इम्प्लांटेशन क्रैम्प यानी कि थोड़ा बहुत पेन महसूस करते हैं। और ये जो इम्प्लांटेशन क्रैम्प या फिर पेन, वो बिल्कुल भी पीरियड के पेन या फिर क्रैम्प की तरह होता है, लेकिन ये बहुत ही माइल्ड होता है, लाइट होता है या फिर बहुत ही डल होता है। देखिए फ्रेंड्स, जब आपका फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो आपके यूट्रस के वॉल में चिपकता है तो वो कहीं पर भी चिपक सकता है, या वो लेफ्ट साइड में भी चिपक सकता है, वो राइट साइड में भी चिपक सकता है, या फिर वो मिडिल में भी चिपक सकता है। अगर हम देखें यूटरस यानी कि गर्भाशय का जो स्ट्रक्चर होता है या फिर आकृति होता है, वो एक ट्रायंगल यानी कि त्रिकोणीय स्ट्रक्चर होता है। सो अगर ब्लास्टोसिस्ट आपके यूटरस के लेफ्ट साइड में चिपकेगा तो आपको ज़्यादा दर्द लेफ्ट साइड में ही महसूस हो सकता है। सो अगर वो ब्लास्टोसिस्ट आपके यूटरस के राइट साइड में चिपकेगा तो आपको पेट के राइट साइड में निचले हिस्से में दर्द महसूस हो सकता है। अगर वो ब्लास्टोसिस्ट आपके यूटरस के ठीक मिडिल पार्ट में चिपकेगा या फिर ऊपरी हिस्से में चिपकेगा तो आपको वो दर्द मिडिल पार्ट में भी महसूस हो सकता है। तो जहाँ पर भी वो चिपकेगा उसी साइड पर ही आपको दर्द महसूस होगा, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं को ये जो दर्द है उनके लोअर बैक में या फिर लोअर एब्डोमेन यानी कि पेट के निचले हिस्से में या फिर उनको पेल्विक पार्ट में ही महसूस होता है। लेकिन सिर्फ ये दर्द होने से आप ये कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं। इस दर्द के साथ साथ तो प्रेगनेंसी के दूसरे सारे सिम्टम्स भी आपको नजर आना शुरू कर देंगे, जैसे कि आपको स्वेलन और टेंडर ब्रेस्ट का शिकायत हो सकता है, आपको टायर्डनेस हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करेंगे, आपका मूड स्विंग्स भी हो सकता है, आपका कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ब्लोटिंग भी हो सकता है, आपको रात में बहुत बार फ्रिक्वेंट यूरिनेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, आपका बॉडी टेम्परेचर भी थोड़ा बहुत इंक्रीज रहेगा 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री तक। इसके अलावा बहुत सारे महिलाएं इस समय नौजिया और हेडक भी एक्सपीरियंस करते हैं। तो अगर आपके नेक्स्ट पीरियड के ड्यू डेट से 4-6 दिन पहले आपको पीरियड जैसा पेन हो रहा है, वो भी माइल्ड सा या फिर डल सा, और साथ ही साथ आपको ये सारे प्रेगनेंसी का लक्षण भी दिख रहे हैं, तो पीरियड मिस होने तक एटलीस्ट इंतज़ार कीजिए। अगर पीरियड डेट आपका मिस हो जाता है तो 2-3 दिन के बाद आप एक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लीजिए, ताकि आप कंफर्म हो सके कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।